दोस्तों बहुत सारे लोगों को वायसेंस का अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि हम लोग वायसेंस का अकाउंट नहीं बना पा रहे और उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे और ये जो ज्यादातर प्रॉब्लम हो रही है ये यूजर नेम पर ही हो रही है। ईमेल आईडी पासवर्ड नेम लास्ट नेम ये सब डालने के बाद थर्ड वाले ऑप्शन में यूजर नेम डालने का ऑप्शन आता है तो उसमें ही ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं जिस कारण वहां पर उनको एरर आ जाता है और वो अपना अकाउंट नहीं बना पाते। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इस प्रॉब्लम का हल बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के वायसेंस का अकाउंट बना सकते हो। आपको बता दूं दोस्तों जब मैं भी वायसेंस पहली बार अकाउंट बना रहा था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए मेरा वायसेंस पर अकाउंट बना हुआ है और उसमें आप लोग देख सकते हो 0.42 डॉलर भी है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से साइन आउट करते हैं और चलते साइन इन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख दो ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर कोई भी ये वीडियो नया बंदा भी देख रहा है तो उसको भी ये वीडियो काम का ही है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शुरू से लेकर अकाउंट कैसे बनाए तो काम का ही। तो आप लोग भी वीडियो को एंड तक देख लेना। अब यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देना और ईमेल आईडी वही डाले जो चालू हो क्योंकि अकाउंट बनने के बाद वायसेंस की ओर से आपको एक मेल आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और पासवर्ड भी दोस्तों वही डाले जो आपको याद रहे क्योंकि अकाउंट बनने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो उसमें पासवर्ड और ईमेल आईडी दोनों डालना पड़ेगा। चलिए मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और वैसे मैं आपको बता दूं मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है। खैर इस फर्स्ट स्टेप पर आपको दो कॉलम दिख रहा है, इसमें फर्स्ट वाले में आपका जो भी नाम है वो आपको डालना है, सेकंड वाले में लास्ट नेम आपका जो भी है वो डालना है। जैसा कि मेरा नाम राकेश कुमार है तो ऊपर राकेश डालूंगा और नीचे कुमार डालूंगा। खैर ये दोनों ही डालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब सभी लोगों को अकाउंट बनाने में जो प्रॉब्लम आती है वो इस सेकंड स्टेप पर ही आती है। यहाँ पर ये यूजर नेम के बारे में पूछ रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना नाम वगैरह वो सब डाल देते हैं जिससे उनको एरर आ जाता है और उनका अकाउंट नहीं बन पाता। अब जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर अपना नाम और यूजर नेम लिख रहा हूँ, अब लिखने के बाद कंप्लीट पर क्लिक करूंगा तो एरर आ जाएगा और ये देखिए एरर आ गया। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको वहां पर बिना स्पेस डाले अपने ईमेल आईडी का आगे का जो भी नाम है वो डाल देना है। जैसा कि मेरी ईमेल आईडी है rakeshkumar@gmail.com तो मैं यहाँ पर @ के जो भी पीछे का भाग है वो हटा दूंगा और राकेश कुमार पूरा यहाँ पर लिख दूंगा। याद रहे बीच में आपको ना ही तो कोई स्पेस डालना है और ना ही वर्ड को कैपिटल स्मॉल करना, पूरा जैसा है वैसा ही यहाँ पर डाल देना है। आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने ईमेल आईडी के आगे का नाम डाल दिया है और डालते ही लिखा हुआ आ रहा है कि आपने ये यूजर नेम पहले से यूज कर लिया है। यहाँ से हम सीधा लॉग इन करेंगे और सीधा ही अपने वायसेंस अकाउंट पर जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमारा वायसेंस अकाउंट ओपन हो चुका है जिसमें आप सर्वे और रेफर करके दिन का $20-25 आराम से कमा सकते हो। अब अगर आपने अभी तक इसका अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाइए और अपना अकाउंट बनाइए। अगर आप लोग मेरे लिंक से वायसेंस पर अकाउंट बनाते हो तो आपको $5 तक फ्री में बोनस मिल सकता है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।